बोल जो हमारा फार्मास्यूटिक्स वन है उसके अंदर हम जो प्रैक्टिकल है वो कौन कौन से परफॉर्म करने हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा वो है टू स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ अपरेटस और ग्लासवेयर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी। आप सबको दिखाई ही दे रहे होंगे ये जो हमारे सारे के सारे ग्लासवेयर है जो हम यूज़ करेंगे एक फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी के अंदर या फिर फार्मास्यूटिक्स वन की लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा वो है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, जिसको हम लिक्विड की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर है, देखते हो आप 100 ml का ये है जो मेजरिंग सिलेंडर है। ये छोटे वाला है 10 ml का। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है 10 ml और यहाँ लिखा हुआ है 100 ml। तो आप यहाँ से ग्रेजुएटेड क्यों कहा है, इस पर ग्रेजुएट बने हुए हैं। जैसे 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, जितनी भी क्वांटिटी हमें लिक्विड की लेनी है वो हम यहाँ से ले सकते हैं लार्ज क्वांटिटी। आगे है डिस्पेंसिंग बैलेंस। ठीक है, ये है हमारा डिस्पेंसिंग बैलेंस। इसके अंदर क्या है, हम जो हमारी ड्रग है उसका वे आउट करेंगे। ठीक है, वे आउट करेंगे इस तरफ हमें जो लेफ्ट लेफ्ट साइड रहेगी यहाँ पे हमें वेट रखने हैं और यहाँ पे जो हमें वे करना है जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो हमें राइट साइड में रखना है। ये है हमारा वेइंग बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट वे है वो रखे हुए हैं। जैसे ये 50 ग्राम का है, ठीक है, ये 20 ग्राम का है, ये 10 ग्राम का है। ये डिफरेंट डिफरेंट वे है जो हमारे रखे हुए हैं। और एक होते हैं फ्रैक्शनल वेट। फ्रैक्शनल वेट मतलब mg के अंदर 100 mg, 20 mg, 50 mg, वो आपको सेपरेटली लेके आने हैं, जो बुक सेलर हैं वहाँ से मिल जाएंगे आपको। क्या कहना है भाई, आपको एक फ्रैक्शनल वेट का जो बॉक्स है वो लेके आना है, 10 रुपये का, 5 रुपये का आ जाता है, मार्केट से इजीली मिल जाएगा आपको। ये है फनल। फनल इसको हम एक लिक्विड को दूसरे कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे, एक फनल। ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क आपने देखा भी होगा केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर। ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क जिसको हम फर्दर टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। ये बीकर, ठीक है, जिसमें हम लिक्विड की मिक्सिंग करते हैं या फिर कोई भी लिक्विड है जिसके अंदर हमें, यह बीकर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। ये 200 का है, 100 का भी आता है, 50 का भी आता है, तो वो हो जाएंगे। और जो मैंने बताया था आपको कौन सा ग्लास यूज़ करते हैं, लिखा भी हुआ देखो, बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, ये स्टैंड रहता है, मतलब हाई हीटिंग के ऊपर ये स्टैंड रहता है। ठीक है, फिर है ये चाइना डिश। ठीक है, जो ये है हमारी चाइना डिश, जिसको हम जैसे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, कोई भी क्रीम है, ऑइंटमेंट है, उसके बेस को गर्म करने के लिए हम हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस है वो हम यूज़ करेंगे उसके लिए चाइना डिश। ये हमारी चाइना डिश है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं पेसल एंड मोटार, दो तरह के ग्लास, ग्लास और ये है हमारा स्टोन का। ठीक है, तो पेसल एंड मोटार, ये पेसल है, ये मोटार है। ठीक है, ये मोटार हो जाएगा और जो ये मेरे हैंड के अंदर है ये हो जाएगी हमारी पेसल। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम पाउडर की मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, ऐसे आपको मिक्स करना है पाउडर को, एक पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, जैसे कोई भी पाउडर है, दो या दो से ज़्यादा पाउडर आपके पास आ जाएंगे तो आपको उसके साथ मिक्स करना है अच्छे से इन एक ही डायरेक्शन के अंदर। ये नहीं अभी कभी आप ऐसे घुमा रहे हो और कभी आप ऐसे घुमा रहे हो, एक ही डायरेक्शन के अंदर। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन करनी है। ठीक है, और इसका यूज़ करते हैं हम ऑइंटमेंट को बनाने के लिए, ऑइंटमेंट की मिक्सिंग करनी हो, कोई भी पाउडर हो, तो हम ग्लास मोटार का यूज़ करते हैं इसकी मिक्सिंग के लिए। आगे है ये ऑइंटमेंट स्लैब एंड स्पैचुला, इसको हम स्पैचुला कहते हैं, ऑइंटमेंट स्पैचुला, और इसको कहेंगे ऑइंटमेंट स्लैब। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑइंटमेंट की मिक्सिंग करते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिकल होगा परफॉर्म करेंगे वैसे मैं बताऊंगा भी इसमें मिक्सिंग कैसे करें। ये ऑइंटमेंट स्लैब हो जाएगी, ये ऑइंटमेंट हो जाएगा आपका स्पैचुला। ठीक है, आगे है ये स्पोस्ट्रीज मोल्ड।
पॉजिटिव। यहाँ पे देखो स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू से ये क्या नाम है, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से साफ करके फिर इसको बंद कर देना है। और जो हमारी स्पोस्टिस बेस होगा यानी कि स्पोस्टिस का जो मेल्ट होगा वो हमें इसके अंदर फील आउट करना है। जो ये होल्स दिख रहे हैं, फोर होल्स दिख रहे हैं ना, इसके अंदर हमें मेल्ट को क्या नाम है डालना है। और थोड़े टाइम के लिए इसको हम आइस बाथ के ऊपर रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जमने के बाद हम इसमें से निकाल लेंगे जो स्पोस्टिस मोल्ड है और जो हमारे पास स्पोस्टिस आ जाएगी। ये ग्लास रोड ग्लास की बनी हुई है, इसका हम यूज़ करते हैं फर्दर मिक्सिंग के लिए, ठीक है। ये स्पैचुला, ठीक है, स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। इससे हम क्या नाम है, कोई भी एक पाउडर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में हेल्प करता है। ये स्पैचुला है, ये लास्ट में इसकी ब्लेड्स हैं, ठीक है। आगे पिपेट्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेजुएटेड पिपेट है। जैसे जो ये हमारी एक पिपेट में निकाल के दिखा सकता हूँ, आपने देखी भी है केमिस्ट्री लैब के अंदर, इसके अंदर ग्रेजुएट लिखा हुआ है 10 ml। ये 10 ml की भी है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हम क्या नाम है पिपेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी में आपके पास लिक्विड आता है, ठीक है, जो मेजरिंग सिलेंडर से भी एक्यूरेट जो क्वांटिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, पिपेट प्रोवाइड करता है। यह है थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर टेम्परेचर को नो डाउन करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर हम ये वाला थर्मामीटर यूज़ करेंगे, इसको कहेंगे वायर गोज, ठीक है। क्या होती है ये, वायर गोज होती है, इसके अंदर एक क्रैमिक सेंटर होता है। क्रैमिक सेंटर ये कभी भी हीट नहीं होता, इसको हम हीटिंग पर्पज़ के लिए, जैसे कोई भी हमें बीकर हीट करना है तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, इसको बर्नर और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, हमारा बीकर जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए हीट के, तो हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, वायर गोज को। ये हमारे पास वाटर बोथ या फिर सैंड बोथ कह सकते हो। वाटर बोथ अगर हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं तो ये हमारा वाटर बोथ हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर सैंड डाल रहे हैं, रेत डाल रहे हैं, तो वह ये हमारा हो जाएगा सैंड बाथ, ठीक है। इसका भी हम यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए। ये हो जाती है फोरसेप, ठीक है। किसी भी, जैसे अब इसके अंदर मैंने हीट किया है किसी भी बीकर को या फिर किसी भी चीज़ को मैं हीट कर रहा हूँ, उसको हाथों से उठाने की बजाय हम फोरसेप का यूज़ करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी उसको फोरसेप की हेल्प से हम जो है बाहर निकालेंगे। यह है ड्रॉपर, ठीक है, यह है ड्रॉपर। जैसे कोई भी लिक्विड है जिसको हम छू नहीं सकते, जो हमारे ऊपर गिरने के बजाय हमें हार्मफुल इफेक्ट दे, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, अपनी ड्रॉपर का यूज़ करना है। फिर है ये ट्राईपोड स्टैंड, देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ट्राईपोड यानी कि तीन पैर, 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे ट्राईपोड स्टैंड। इसका हम मेनली पर्पज होता है हीटिंग के लिए, एक तरह से स्टैंड होता है ट्राईपोड स्टैंड, जिसको हम बर्नर के ऊपर, यह है बर्नर हमारा, इसको हम बर्नर के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर हम क्या नाम है वायर गोज रखेंगे ताकि जो हमारा ग्लास वेयर है वो हम हीट कर सके, ठीक है। आगे ये है सीव, ठीक है, जिसको हम, जैसे अब मैंने बताया भी था किसी भी पाउडर की सेपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज की हमारे पास सीव है, ठीक है। ये देखो 20 नंबर की सीव है, 10 नंबर की भी है, 50 नंबर की भी है, 100 मार्क्स की भी है, मतलब ये सीव अलग अलग साइज़ की है। इसमें आपको 6 थोड़े बड़े दिखेंगे, जो 10 वाली है उसमें और बारीक दिखेंगे, तो वो नंबर है अकॉर्डिंग टू सीव, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं साइज सेपरेशन के लिए। ये है सेपरेटिंग फनल, ठीक है, जो हमारे दो लिक्विड, जैसे एक वाटर है और एक है ऑयल, उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, दो लेयर बन जाएगी, एक वाटर की और एक ऑयल की, तो ऑयल वाली आराम से हम निकाल सकते हैं, जो रिमेनिंग वो रहेगी वो वाटर की रहेगी, या फिर हम इसका यूज़ जो है, जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसके अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सारे थे ग्लासवेयर जो हम फार्मास्यूटिक्स लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो यही आपका पहला एक्सपेरिमेंट है जो आपको नोट डाउन करना है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर, ठीक है। ओके, बाय।